इस समय आप सभी लोग देख रहे होंगे, देश भर में दो शब्द काफी चर्चा में बने हुए हैं। एक तो आपका विनिवेश है, जिसे आप लोग डी इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं, और दूसरा है आपका निजीकरण, जिसे आप लोग प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि सरकार इसके फायदे गिना रही है, इसके लाभ गिना रही है। वहीं आप देखिए कि जो विपक्ष है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया है, रोड बेच दी है, रेलवे बेच दी है, और भी जो सरकारी कंपनियां थी उन्हें भी बेच दिया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग विनिवेश के बारे में भी जानेंगे, निजीकरण के बारे में भी जानेंगे, और इनका उद्देश्य आखिर क्या है, इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उन पर भी हम लोग कुछ पॉइंट देख लेंगे। और वैसे भी आप देखिए, आज अगर आप लोगों को इन टॉपिक के बारे में जानना है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप सोचिए कि अगर विनिवेश और निजीकरण के आपको फायदे देखना है तो आप लोग सत्ता पक्ष को सुन लीजिए और विपक्ष को सुन लीजिए, आपको नुकसान भी पता चल जाएगा और इसके फायदे भी पता चल जाएगा। और अगर आप लोग थोड़ी बहुत सोच रखते होंगे, आप न्यूट्रल होके देखेंगे तो आप निष्कर्ष पर भी पहुंच जाएंगे। जिस तरह से आप देखते हैं कि आप लोग मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग करते हैं, उसमें आप सभी जानते हैं कि उसके सकारात्मक पॉइंट लिखते हैं और आप उसके नेगेटिव पॉइंट भी लिखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी लिखते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी लिखते हैं, और लास्ट में अपना क्या दे देते हैं, निष्कर्ष निकाल के रख देते हैं। तो इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, या फिर आजकल आप लोग मीडिया से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देखिए कि कुछ मीडिया है जो विनिवेश और निजीकरण के फायदे ही फायदे आपको दिखाएगी, और एक दूसरा पक्ष है मीडिया का, वो आपको विनिवेश और निजीकरण के नुकसान ही नुकसान दिखाएगा। और आपको बता दूं कि ये कोई नया नहीं है, विनिवेश और निजीकरण जो इस सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ही शुरू किया हो, एक कांग्रेस के समय में भी होता आया है। एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज जनता को इसलिए कर देते हैं क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। अपने देश की राजनीति को समझने का एकमात्र मुझे लगता है कि पॉइंट आप देख सकते हैं, इन नेताओं की नीयत समझ जाइए, अपने देश की राजनीति को भी समझ जाएंगे। आप देखिए कि आज जो मोदी पक्ष है, मोदी सरकार है जो सत्ता में है, बीजेपी, ये वही सरकार है आप देखते हैं जो जीएसटी का विरोध करती थी। जब कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा जीएसटी आ रही, तो उस समय ये रोड पर उतर चुके थे, इन तीन कृषि कानूनों का विरोध करती थी। आप सभी जानते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है फसलों पर, उसके लिए जब प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि इस पर एक कानून बनना चाहिए। आज देख लीजिए आप लोग, ये सत्ता में है, तो आप देख रहे हैं कि ये फायदे ही फायदे गिनाते रहते हैं। ये कहते हैं कि किसानों को इन तीनों कानूनों से कोई नुकसान ही नहीं है, जीएसटी के आप देखिए फायदे। तो इन सरकारों, देखिए इनकी नीयत एक तरह से सत्ता बदलती है और इनकी विचारधारा तुरंत बदल जाती है। खैर छोड़िए, हम लोग इस पर क्या बात करें, हम लोग विनिवेश को देखते हैं और निजीकरण को देखते हैं एक एक करके दोनों पॉइंटों को। तो विनिवेश को तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप लोगों ने एक कंपनी बनाई हुई है, कंपनी का नाम रख लीजिए ए, मान लीजिए उसमें 100 रुपये खर्च आया हुआ है। अभी आप देखिए कि आपके पास उसका मालिकाना हक है, अगर कोई आपको निर्णय लेना है तो आप खुली छूट है आपके पास, सभी कुछ उसका देख रेख आप ही करेंगे, लेकिन आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, और आप लोग उसका क्या करते हैं कि 5% या 10% हिस्सेदारी किसी और को बेच देते हैं, किसी और व्यक्ति को बेच देते हैं। और ये हिस्सेदारी अगर 49% तक आप बेचते हैं तो वो विनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विनिवेश। यानी कि सरकारी कंपनियों में विनिवेश मतलब होता है सरकार द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से है। आपने सुना होगा एलआईसी का, आप लोगों ने सुना होगा, सरकारी कंपनी थी, इसमें कुछ इसकी हिस्सेदारी बेच दी गई, यानी कि इसमें विनिवेश हुआ है। लेकिन याद रखिए, 49% तक अगर बिकता है, किसी दूसरे के पास जाता है, तब भी आपके पास मालिकाना हक आपके पास ही रहेगा। और आप देखिए कि आप
प्रबंधन भी आप लोग उसी का करेंगे। निडल लेने का अधिकार भी आपके पास रहेगा। लेकिन ये सोचिए आप लोग कि अगर 50% आप हिस्सेदारी बेच देते हैं तो 50% आपके पास रहेगी और 50% दूसरे के पास पहुंच जाएगी। तब आपको निर्णय लेना है तो आप लोगों को दोनों को बैठ के बात करनी होगी। दोनों के निर्णय आप देखिए कि कुछ निष्कर्ष निकालना होगा, तब आप लोग निर्णय ले सकते हैं। अकेले आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इसे ही आप लोग विनिवेश कहते हैं। और सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने या फिर विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने हेतु विनिवेश का विकल्प अपनाती है। कुछ मामलों में सरकारी संपत्ति के निजीकरण के लिए विनिवेश किया जा सकता है, हालांकि सभी विनिवेश निजीकरण नहीं होते हैं। अगर वो 50% से ज्यादा हो चुका है, 51% अगर हिस्सेदारी किसी और के हाथ में पहुंच चुकी है, तो उसे आप लोग निजीकरण कह देते हैं। अब आप समझिए इसे, निजीकरण को भी देख लीजिएगा। निजीकरण का मतलब है यानी कि प्राइवेटाइजेशन का, जो आपकी एक कंपनी थी उसमें आप देख रहे हैं कि 100 रुपये लगे हुए हैं, यानी कि आप सोचिए कि 51% उसका हिस्सा आपने किसी और को बेच दिया, तो आप समझिए कि आपके पास 49% हिस्सेदारी रह गई और 51% आप देखेंगे किसी और व्यक्ति के पास पहुंच गई। तो इसे ही आप लोग निजीकरण कह देते हैं। अब जो भी वो फैसला लेगा वो लेगा दूसरा व्यक्ति लेगा जिसके पास 51% हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि मालिकाना हक आपने किसी और को दे दिया है। अब देखिए फैसला भी वही करेगा और प्रबंधन भी उसका वही करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निजीकरण के तहत सरकार उसको उपक्रम से अपनी पूरी या फिर अधिकांश हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी को बेच देती है, यानी कि 50% से अलग बेच देती है। और निजीकरण के पश्चात संबंधित संगठन उपक्रम का स्वामित्व यानी कि स्वामी यानी कि मालिकाना नियंत्रण सरकार के पास नहीं रह जाता, किसी और के पास चला जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कई एयरपोर्ट हैं जो ये भी कई निजी कंपनियों को दिए गए हैं, यानी कि उसकी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी उन कंपनियों को बेच दी गई है। कई रेलवे स्टेशन भी आप लोगों ने सुने होंगे, रेलवे के बारे में भी सुना होगा। तो ये है आपकी निजीकरण और आपका विनिवेश की कहानी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, विनिवेश आप देखिए कि आपने एक कंपनी बनाई हुई है, अगर उसका 49% तक अगर आप हिस्सेदारी उसकी बेचते हैं तब तक वो विनिवेश कहलाएगा, और जैसे ही आप 50% से अधिक अगर उसका परसेंट से ज्यादा मालिकाना किसी और को दे देते हैं तो वो निजीकरण कहलाने लगेगा। यानी कि आपके पास से मालिकाना हक चला गया है, उसका प्रबंधन और जो भी काम होगा उसका देखरेख वो सामने वाला व्यक्ति करेगा। तो यही फर्क है आपका विनिवेश में और निजीकरण में। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है राजकोषीय बोझ को कम करना और सार्वजनिक वित्त में सुधार करना और निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन करना और विकास कार्यक्रमों हेतु वित्त का प्रबंधन करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। और एक और बात बता दूं, ये 1991 के पहले आप देखेंगे इस तरह की कोई नई नीति नहीं थी, लेकिन 1991 में आप देखते हैं कि औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन किया जाता है और इसमें आप देखेंगे निजीकरण को अपनाया जाता है 1991 से, जिसे आप लोग विनिवेश भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं इस प्रबंधन विभाग को भी देख लीजिए, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार के विनिवेश संबंधी कार्यों के प्रबंधन हेतु 10 दिसंबर 1999 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत विनिवेश विभाग की स्थापना की गई थी। इस तरह का काम यही देखता है। और 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या है? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। अगर इसके फायदे आपको देखना है तो आप लोग एक उदाहरण और ले लीजिएगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अगर कभी आप लोगों ने सरकारी बस से और प्राइवेट बस से अगर सफर किया होगा तो आप बेहतर समझ सकते हैं।
एक आपने देखा होगा कि सरकारी बस चलती है और राज्य का मालूम नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में चलती है। तो आपने देखा होगा जो सरकारी बस चलती है तो उसमें आपने देखा कि कम किराया लगता है, लेकिन सुविधाएं आप देखिए, सुविधाएं बेकार रहती हैं उसमें, टाइमिंग ज़्यादा लगती है। जो सब व्यवस्थाएं होती हैं वो एक तरह से सरकारी आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रहती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि प्राइवेट बस चलती है जिसमें आप देखते हैं किराया ज़्यादा रहेगा लेकिन एसी, आपको एसी की हवा मिल रही होगी, आपको समय समय पर आप देखते हैं कि वीआईपी सीट होगी, आप देखते होंगे कि पानी की बोतल भी आपको मिल जाती है उसमें, तो इसी से आप समझ सकते हैं। और देखिए अभी बता दूं आपको कि सभी अगर रेलें ट्रेन अगर प्राइवेट हाथों में दे दी जाए तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग, हमारे देश की जनसंख्या उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई है कि हम लोग प्राइवेटेशन का जो आपका निजीकरण है या फिर आपका जो जिसे आप लोग प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं इसका फायदा हम लोग उठा पाए। अभी भी आप देखिए कि आधे से अधिक जनसंख्या एक तरह से गरीबी में है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बस में किराया भली कम लगता हो लेकिन आप देखते हैं सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो उसी सरकारी बस से करता है, क्योंकि उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो प्राइवेट बसें चल रही हैं, निजी बसें चल रही हैं, उनसे सफर कर सके। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो ट्रेन निजी हाथों में चली जाती है और सरकार उस पर कोई भी निर्णय ना ले पाए, तो देखिए निजी का तो निजीकरण का तो सीधा सा मतलब होता है कि वो फायदा ज्यादा देखता है, लेकिन जो सरकारी बसें चल रही हो, सरकारी योजनाएं चल रही हो, सरकारी जो भी उद्योग हो रहे हो, उद्योग जो भी काम हो रहे हैं, इसका सीधा सा उद्देश्य होता है कि समाज का कल्याण करना, इतना सस्ता रखना कि जिससे एक तरह से समाज उसका फायदा उठाया उठा सके। इसे आप लोग हॉस्पिटल के उदाहरण से समझ लीजिएगा। आप सभी जानते हैं एक सरकारी हॉस्पिटल है और एक आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपको इलाज करवाने जाना है तो आपको सुविधाएं या जो सर्विस दी जाती है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको, लेकिन साथ में आप ये भी देखेंगे कि पैसे का वहां जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। जो सरकारी हॉस्पिटल में आपको इलाज के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वही प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो 1000 से 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यही है। और अगर आप देखिए कि प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो उसकी व्यवस्था भी ठीक हो जाती है और आप देखिए ट्रेन का टाइमिंग भी ठीक हो जाती है, टाइम से चलने लगती है। आप तो ये भी सुना है कि अगर टाइम ट्रेन लेट होती है तो उसका आप लोगों को कुछ पैसा भी मिलेगा बदले में, तो आप टाइमिंग की काफी अच्छी कीमत तो रहेगी। और आप देखिए दोनों तरह का, मुझे लगता है कि प्राइवेट जो आपका निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन भी है, ये भी हो ना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिसके पास अगर सुविधा है, जिसकी आर्थिक स्थिति है उससे सफर करें और जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं है उसके लिए आपका निजी है ही, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है और इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है, दोनों आपके सामने भी हैं वो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, और निजीकरण और आपके जो भी निवेश है यही फर्क भी है, तो आप समझ भी गए होंगे मुझे लगता है बेहतर।